हाय फ्रेंड, नमस्ते सभी का फिर से वेलकम है चैनल है कि ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताना हो फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआई का एडमिशन अपने बच्चों को कराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा सके और उनको अच्छी एजुकेशन दे सके। तो फ्रेंड, प्रॉब्लम ये होता है कि अपनी जो आरटी का जो फैसिलिटी अपने कंट्री में, वो फ्रेंड बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात नहीं पता है कि उनको आरटी में एडमिशन किस तरह करवाना, आरटी का प्रोसेस क्या होता है, आरटी का डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ओके, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह प्रोसेस करना होता है, किस तरह उनके बच्चों को आरटी में एडमिशन मिल सकता है। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले बात बता दूं, आरटी का मतलब क्या होता है। आरटी का मतलब ये होता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्रेंड्स, हर गरीब बच्चे के लिए 25% सीट रिजर्व होता है हर एक प्राइवेट स्कूल में, जिसमें उनको अच्छी खासी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि अपने बच्चों का बच्चे एजुकेशन दे सके, ओके, एक अच्छी क्वालिफाइड बंदा बना सके, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप अपने बच्चों का आरटी के लिए एडमिशन कराना चाहते हो, तो अपने आरटी में दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कास्ट की रिजर्वेशन होता है, और सेकंड होता है फ्रेंड, अगर आपकी जो इनकम है वो बहुत कम है, आप इनकम से बहुत वीक हो, फाइनेंशियल बहुत वीक हो, तो फ्रेंड आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। वो होता है अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हो, एसटी से, एनटी से, ओके, तो आपको उसके लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट से बिलोंग नहीं कर रहे हो, आप ओपन से हो, तो फ्रेंड उसके लिए आपको लगेगा जो होता है इनकम सर्टिफिकेट। फ्रेंड, इनकम सर्टिफिकेट होता है जिसमें प्रूफ होगा कि आपकी जो इनकम है वो एनुअली बहुत कम है और आप एक बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते हो। फ्रेंड, जो आप इनकम सर्टिफिकेट हो, आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। पर फ्रेंड, उसमें कंडीशन ये होता है कि जो लक्की ड्रॉ निकलता है, लक्की ड्रॉ के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड सबसे पहले बता दो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। फ्रेंड, एडमिशन प्रोसेस ये होता है कि फ्रेंड आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने फ्रेंड्स, जब फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, फिर लक्की ड्रॉ पे लक्की ड्रॉ लगता है। लक्की ड्रॉ में आपको आप जा सकते हो, वहाँ आपके सामने अनाउंसमेंट किया जाएगा जिसके बच्चों का लक्की ड्रॉ में नाम लग जाएगा, उन लोगों को एडमिशन मिला। तो उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरीफाई होने पर प्रॉपर होगा तो उनको उसके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। उसके फ्रेंड बाद का स्टेप पे होता है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता देना, तो डॉक्यूमेंट जो लगता है वो बच्चे का लगता है बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद कॉपी, ओके, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है इफ़ अप्लीकेबल, तो उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, और 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं, और फ्रेंड कॉपी ऑफ रेसिडेंट प्रूफ। तो फ्रेंड, रेसिडेंट प्रूफ में आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट हो सकता है आप लेके जा सकते हो, जैसे हो गया वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइट बिल, वाटर बिल, ओके, ये सब फ्रेंड लगता है। और फ्रेंड बच्चों का, अगर बच्चों का आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा। तो फ्रेंड बच्चों का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, और उनके जो भी आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जाए आप वो ले जा सकते हो। ओके, तो फ्रेंड इतना प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट से नहीं होता इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, फिर पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, अगर फ्रेंड आप फर्स्ट में एडमिशन कराना चाहते हो, फ्रेंड उनके लिए आपको लगेगा कि बच्चों का जो सीनियर केजी का, एलकेजी का, केजी का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। ओके, उसका फिर तो आप इजीली अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, ये लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये पूछते हैं कि उनके आरटीई में उनके बच्चों का एडमिशन कब करवा सकते हो। तो फ्रेंड आपको ये बात क्लियर कर दूँ, अगर आपके बच्चों की उम्र 3 साल से ज़्यादा है तो आरटीई में, एलकेजी में उनको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों का फर्स्ट में एडमिशन कराने के, तो फ्रेंड फर्स्ट में एडमिशन करवाने के लिए आपके बच्चे की जो एज होती है वो होनी चाहिए 5 से 6 साल तक। अगर आपके बच्चों की एज 5 ईयर से ज़्यादा है और 6 ईयर से कम है, तो फर्स्ट ईयर में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हो। और कभी कभी केस में फ्रेंड्स 6.5 ही चल जाता है, ओके, तो उसमें अपने बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन करवा सकते हो। ओके, तो फ्रेंड वो डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट की जीआर होती है। तो फ्रेंड अभी आपको बता देना था, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो फ्रेंड जो आरटी का फॉर्म का डेट है, आरटी फॉर्म फिलिंग का, वो 25 फरवरी अनाउंस किया था, फिर वो अभी एक्सपांड हो गए 3rd या 5th मार्च को उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। ओके, तो फ्रेंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसके बाद भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मेरी वीडियो को कमेंट करिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा कि और किसी गरीब बच्चों को काम आए और उनको बहुत हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू।